हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अंकित ऑनलाइन क्लास। फिजिक्स के 100 एमसीक्यू सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एज मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर, जो आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या किस लिए यूज़ होता है, पावर जनरेशन के लिए यूज़ होता है। तो जो रॉड रहता है उसमें कंट्रोल्ड रिएक्शन हो, इसलिए उसमें मॉडरेटर यूज़ किया जाता है, ताकि वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ना हो जाए। तो इसमें कौन सा चीज़ यूज होता है जो उसको कंट्रोल करता है, उसका हैवी वाटर होगा, इसका आंसर सी। ठीक है, 42 देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ओर क्या है, बक्साइट। बक्साइट और कैलामाइन किसका ओर है, जिंक। और गिलेना किसका है, लेड, PbS, Zn। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा धातु है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, कब, रूम टेम्परेचर पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी। अगला क्वेश्चन, द मेटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल इज। क्लोरोफिल, जैसे आपको पता है कि लीफ में होता है क्लोरोफिल, तो वो उसमें कौन सा एलिमेंट रहता है उसका, वो इसका आंसर क्या है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट रहता है, मेटल रहता है, मैग्नीशियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या क्या होता है, जिस एलिमेंट के एक से ज़्यादा फॉर्म्स हों उसको क्या कहा जाता है, एलोट्रॉप्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कोई भी फॉर्म्स नहीं होते हैं तो इसका एलोट्रॉप्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एसिटिक इन गैस्ट्रिक जूस इज। द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे स्टमक रहते हैं उस पर जो गैस्ट्रिक जूस रहता है, वो उस पर क्या रहता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस इन। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस, बताना है कि कहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस में नहीं, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नहीं, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोई सॉल्यूशन है उससे बहुत सारे पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो क्या होता है, अगर हम कोई लाइट अगर पास होगा तो क्या होगा, स्कैटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ यूज इन स्टोरेज बैटरी। जो बैटरी जो रहता है, जो स्टोरेज बैटरी यूज होता है जिसे घर में रहता है, उस पर क्या रहता है, उसमें लेड रहता है, जो उसमें लेड डला होता है स्टोरेज बैटरी में, उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील कंटेन, जो स्टेनलेस स्टील रहता है उसका कंपोनेंट क्या है, आयरन रहता है उसमें, क्रोमियम रहता है और निकल रहता है, इन तीनों का मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एलॉय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरन, निकल और क्रोमियम, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द गैस इज कॉमनली यूज्ड इन एनेस्थीसिया। कौन सा ऐसा गैस है जो एनेस्थीसिया में यूज होता है, उसका आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट। रिलेटिविटी के थ्योरी के हिसाब से कौन सा चीज़ रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहता है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, टाइम नहीं, स्पेस नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी। जो कलर ब्लाइंड पर्सन है वो क्या नहीं कर सकता, डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स। वो कौन से दो कलर पर नहीं डिस्टिंग्विश कर पाता है, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन पे वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन, ए मिरेज ऑकर्स बिकॉज ऑफ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिरेज जो फॉर्म होता है वो किस वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय लेयर ऑफ एयर। जैसे कि मान लीजिए डेजर्ट में, रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत सारे लेयर्स रहते हैं, यहाँ जो सैंड है मान लीजिए, तो यहाँ ज़्यादा हॉट रहेगा, उससे कम हॉट रहेगा, उससे कम हॉट आ रहा है। तो जब कोई लाइट टकराता है यहाँ से, मान लीजिए
एक पेड़ है, वो लाइट टकराएगा वापस ऐसे चले जाएगा, तो दूर वाले को क्या दिखता है कि यहाँ पर पानी होगा, परछाई दिखता है उसकी, तो उसको क्या उसको क्या बोलते हैं, मिरेज बोलते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाई लेयर्स ऑफ एयर। 54 देखते हैं, द रियर व्यू मिरर ऑफ ड्राइविंग इज, जो जो कार के साइड व्यू में मिरर लगता है वो कौन सा मिरर रहता है, कॉन्वेक्स मिरर। 54 का आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव मिरर कौन यूज़ करता है, डेंटिस्ट से यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए पेरीस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पेरीस्कोप जानते हैं आप क्या होता है, पेरीस्कोप ऊपर के वस्तु को नीचे से देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है और यहाँ पर एक मिरर लगा रहता है, और ये यहाँ पर एक यहाँ मिरर लगा रहता है, तो ये इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ यहाँ टकरा कर यहाँ जाती है और यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी इमेज को। तो ये कहाँ यूज़ होता है, पनडुब्बी में, सबमरीन में यूज़ होता है ये पेरीस्कोप। तो ये किस प्रिंसिपल के काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंस शुड बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ स्टिगमेटिज्म। स्टिगमेटिज्म क्या होता है कि जो इंसान है, जैसे कि नॉर्मल आई कैसे दिखेगा, इसको ऐसे दिखेगा, लेकिन अगर जिसको स्टिगमेटिज्म हुआ तो उसको कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। तो ये तो इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, सिलिंड्रिकल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा ए। और कॉन्वेक्स लेंस किसको किसको करेक्ट करता है, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइडेडनेस, और कॉन्वेक्स लेंस मायोपिया, शॉर्ट साइडेडनेस। अब बाईफोकल लेंस प्रेस बायोपिया, ये डिसीज़ का नाम है। हाइपरमेट्रोपिया किससे करेक्ट होता है, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस से, मायोपिया कॉन्वेक्स लेंस से, और प्रेस बायोपिया बाईफोकल लेंस से, और स्टिगमेटिज्म सिलिंड्रिकल लेंस से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ए लेज़र ऑल द एटम्स एमिट द लाइट वेव ऑफ। इन्हें बताना है कि जो लेज़र रहता है वो ऑल द एटम्स एमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फेज। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव, उसमें सेम फ्रीक्वेंसी भी रहता है, एम्पलीट्यूड भी रहता है, और सेम फेज भी रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कलर इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येल्लो। जो येल्लो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो उसका नाम बताना है, वो क्या हो जाएगा, ब्लू। ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए शॉर्ट साइटेडनेस इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग प्रॉपर। जिस पहले बताया शॉर्ट साइटेडनेस को क्या बोला जाता है, मायोपिया, और इसको किससे करेक्ट किया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 59 का, कॉनकेव लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस किससे करेक्ट किया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए किया जाता है। और सिलिंड्रिकल लेंस स्टिगमेटिज्म, और बाईफोकल लेंस प्रेस बायोपिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस बी, क्योंकि यहाँ शॉर्ट साइडेडनेस पूछा है और मायोपिया पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्प्लिट वाइट लाइट इन टू डिफरेंट कलर। अगर कोई, जैसा कि आपको पता है कि अगर जो वाइट लाइट रहता है वो 7 डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन रहता है, तो उसका अगर स्प्लिट करना है तो क्या यूज़ करेगा, प्रिज्म। अगर ये प्रिज्म है मान लीजिए और वाइट लाइट जाएगा तो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा, और उसको क्या बोलते हैं, विब जियर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रिज्म। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक यू।